प्रोट्रैक्टर के मदद के बिना ही 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। यह ट्यूटोरियल 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं बच्चों के लिए है। कई ज्यामितीय निर्माण समस्याओं को हल करने के लिए इस प्रक्रिया का अभ्यास करना पड़ता है। इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से सारी प्रक्रियाओं को देखेंगे। सबसे पहले एक स्केल और एक पेंसिल लेकर पृष्ठ के मध्य में एक रेखा खंड खींचा जाता है। इसके दोनों छोर का नाम O और A है। इसके बाद एक पेंसिल कंपास लिया जाता है। O बिंदु पर कंपास के कांटे को रखकर एक बड़े आकार के वृत्त चाप खींचा जाता है। यह वृत्त चाप बिंदु X पर सीधी रेखा O A को प्रतिच्छेद करता है। फिर X बिंदु पर कांटा रखकर उसी त्रिज्या का एक और वृत्त चाप लिया जाता है। यह चाप बिंदु Y पर पिछले चाप को प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद बिंदु Y पर कंपास की नोक डालकर उसी त्रिज्या के एक चाप खींचने होंगे। यह छेद बिंदु का नाम Z है। अब बिंदु O और बिंदु Z के बीच में रूलर को समापन करें और उनके बीच एक लाइन सेगमेंट बनाएं। इस लाइन सेगमेंट को OB नाम दिया गया है। इस प्रकार बनने वाले कोण AOB एक 120 डिग्री कोण है। क्या ये 120 डिग्री है या नहीं, आइए एक प्रोट्रैक्टर की सहायता से सत्यापित करें। निरंतर अभ्यास और बेहतर ज्यामितीय उपकरण के इस्तेमाल से त्रुटि का प्रतिशत कम किया जा सकता है, इसलिए इसका नियमित अभ्यास करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।